Hello everyone, welcome to our math session and today is our day 5 of our maths lecture. In previous lecture we saw exercise 1.1. I hope you have completed your homework. So today we are going to learn comparing numbers. क्या सीख रहे हैं हम आज? Comparing numbers. Compare करना मतलब क्या करते हैं हम? उसमें तुलना करते हैं. मतलब जैसे compare करना मतलब which number is greater or which number is smaller. So look at the textbook, page number 7. The library in a school has 10,000 books and the library in another school has 9,999 books. Which library has lesser number of books? क्या दिया इन्होंने? वह एक लाइब्रेरी में 10,000 क्या है? बुक्स है. और दूसरी लाइब्रेरी में 9,999 बुक्स है. तो इन्होंने पूछा है कि कौन से लाइब्रेरी में लेसर, लेसर मतलब कम, कम बुक्स है. So we have to, first of all we have to compare these numbers and then we have to decide the number of which library number of book is lesser. So our first point is, when the numbers to be compared have different number of digits, the number with more number of digits is greater. So देखो यहाँ पे क्या है, simple language में समझा रही हूँ मैं आपको. नंबर कंपेयर करते वक्त सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट रूल भी बोल सकते हो आप इसको, क्या करना है, नंबर्स के डिजिट्स को काउंट करना है. नंबर्स के डिजिट्स को काउंट करना है. जिस नंबर के डिजिट्स ज्यादा होते हैं वो नंबर ग्रेटर होता है. सो हियर आवर एग्जांपल इज 10,000 एंड 9,999. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू काउंट द डिजिट्स 1, 2, 3, 4, 5 एंड 1, 2, 3, 4. सो कितने डिजिट है ये? 5 डिजिट का नंबर है ये, 4 डिजिट का नंबर है. तो जिसका नंबर ऑफ डिजिट ज्यादा है जो नंबर में, वो नंबर क्या हो जाएगा? ग्रेटर हो जाएगा. सो 10,000 इज ग्रेटर देन 9,999. लेकिन हमें क्या पूछा है यहाँ पे? ग्रेटर नहीं पूछा है, यहाँ पे क्या पूछा है? लेसर पूछा है. तो लेसर पूछा है तो मतलब आप क्या करोगे, इसको टोटल 9,999 इज लेसर देन और स्मॉलर देन 10,000. हो गया आपका आंसर. अब नेक्स्ट, व्हेन द नंबर टू बी कंपेयर्ड हैव सेम नंबर ऑफ डिजिट, स्टार्ट कंपेयरिंग फ्रॉम द डिजिट विद द हाईएस्ट प्लेस वैल्यू यू बी टिल यू रीच अ कॉलम विद डिफरेंस डिजिट. देखो क्या है यहाँ पे नेक्स्ट, इसमें क्या सेकंड रूल भी बोल सकते हो, सेकंड पॉइंट भी बोल सकते हो. क्या है यहाँ पे, अगर सपोज सेम नंबर ऑफ डिजिट्स रहे नंबर में, सेम नंबर ऑफ डिजिट्स रहे तो क्या करोगे आप? डिजिट्स काउंट हो गए, सेम नंबर आए तो आपको क्या करना है, उसकी प्लेस वैल्यू देखनी है. और जो हाईएस्ट प्लेस वैल्यू में ग्रेटर नंबर डिजिट होगा वो आपका क्या आ जाएगा, ग्रेटर नंबर. सो लेट अस कंसीडर एग्जांपल. द एवरेज वेट ऑफ एन इंडियन एलिफेंट इज 1,240 kg व्हाइल दैट ऑफ एन अफ्रीकन एलिफेंट इज 1,280 kg. विच एलिफेंट इज हेवियर? देखो टू टाइप्स के एलिफेंट दिए, एक इंडियन एलिफेंट दिया है, एक अफ्रीकन एलिफेंट दिया है. तो वहां पे कौन सा हेवियर है वो देखना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल काउंट द नंबर ऑफ डिजिट इन नंबर. द फर्स्ट देखो मैं यहाँ पे राइट कर यू. सो लेट अस इंडियन एलिफेंट क्या कितना वेट है इंडियन एलिफेंट का? 1,240 kg. And another is African elephant. क्या है उसका वेट? 1,280 kg. बेसिकली आपको ये दोनों नंबर में कंपेरिजन करना है. सो 1,240 एंड 1,280. काउंट नंबर, फर्स्ट ऑफ ऑल काउंट द नंबर ऑफ डिजिट 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. सेम नंबर ऑफ डिजिट इज हियर. सो व्हाट वी कैन डू, ओके सो
आपको क्या करना है, प्लेस वैल्यू देखनी, वन स्पेस 100,000, तो क्या करेंगे हम उसकी प्लेस वैल्यू चेक करेंगे। दिख तो रहा है हमें, देखो वन वन सेम है, टू टू सेम है, तो सेम है तो अभी क्या करोगे, तो आपको क्या करना है, एक ऐसा टेबल बनाना है, टेबल में हम उसको क्या करेंगे, प्लेस करेंगे वो नंबर्स के, नंबर को और डिजिट के प्लेस वैल्यू वाइज। देखो 1240 एंड 1280, ये मैं आपको समझाने के लिए मैंने किया, जब आप एग्जांपल सॉल्व करेंगे तो इतना ये टेबल वगैरह लिखने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली अगर आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप इसको ओरली सॉल्व कर सकते हो। देखो वन वन सेम डिजिट है, टू टू सेम डिजिट है, ये हो गया फोर, फोर क्या है, फोर और एट ये डिफरेंट है, लेकिन कौन सा डिजिट ग्रेटर है, दिस वन इज ग्रेटर, ये तो क्या हो गए, सेम हो गए ना, ये भी सेम हो गए, तो ये क्या हो गया, एट, एट क्या है, ग्रेटर है, फिर आप क्या करोगे, फोर और एट में कंपेरिजन करोगे, जो हाईएस्ट जो प्लेस पे जो प्लेस वैल्यू है उस डिजिट की उसमें कंपेयर, फोर और एट में कौन सा डिजिट ग्रेटर है, एट इज ग्रेटर देन फोर, सो आवर आंसर इज 1280 इज ग्रेटर देन 1240, हेंस फिर कौन सा एलिफेंट है, हेवियर है, हेंस द अफ्रीकन एलिफेंट इज ग्रेटर देन इंडियन एलिफेंट, समझना है आपको, ओके। ऑल्सो रिमेंबर दैट 1240 कम्स बिफोर 1218 इन फॉरवर्ड काउंटिंग, देखो दिख ही रहा है वैसे कि 1240 क्या आता है, पहले आता है 1280 बाद में आता है, इसलिए ये बड़ा हुआ ये छोटा हुआ, तो ये हो गया आपका कंपेयरिंग नंबर्स। कंपेयरिंग नंबर्स में टू रूल्स देखे अपने, वो याद रखने,